Hello students, this is Neeraj and we are here to learn the ninth chapter of your book Anishakul, right? This one, the main book. This is the ninth chapter. We have already studied till chapter 8. And what was that? Chapter 8, A Game of Chance. Jahan pe ek bachcha jata hai ek fair mein, mele mein, right? And he tries his luck playing that game jo lucky shop pe ho raha tha. And he wins some trivial things, but he was not happy with. But later he founds out that वो उसको बेवकूफ बनाया गया था, वो कोई गेम था नहीं, राइट? लेट इट बी. सो नेक्स्ट इज डेजर्ट एनिमल्स, चैप्टर नंबर 9. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. ये स्टोरी नहीं है, दिस इज़ द थिंग कि कैसे डेजर्ट में, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, वहाँ पे लोगों कैसे रहते हैं, जानवर पार्टिकुलरली कैसे रहते हैं. हम जानवर्स की बात करेंगे यहाँ पे, एनिमल्स की. अलग अलग जगह पे चीज़ें अलग अलग तरीके से रहते हैं. जैसे ह्यूमंस भी देखोगे, जहाँ पे ठंड होती है वहाँ पे लोग अलग तरीके से रहते हैं, हमेशा उन्हें वुलन क्लॉथ्स की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ पे लोग कॉटन की चीज़ें ज़्यादा पहनते हैं ताकि धूप का कम असर पड़े. तो उसी तरीके से एनिमल्स भी हैं, वो भी अलग अलग तरीके से देखते हैं. कुछ एनिमल्स ज़मीन के अंदर रहते हैं, कुछ दौड़ते रहते हैं, कुछ पेड़ों पर रहते हैं, मौसम के हिसाब से वो भी चेंज करते हैं. गर्मी का दिन होता है तो कुछ चीज़ें बहुत ही ऊपर, शाम के टाइम पे ऊपर आके घूमती हैं वो, जैसे जर्बिल्स वगैरह, स्नैक्स वगैरह, ये सब गर्मी के दिनों में. ठंड में ही, ठंड मतलब क्या, जब धूप ख़त्म हो जाता है तब वो दिखते हैं धरती पे. ऐसे वो ज़मीन के अंदर रहते हैं, क्यों? क्योंकि ज़मीन के अंदर ठंडी रहती है. तो उसी तरीके से जैसे डेजर्ट है तो वहाँ पे भी अलग टाइप का एनवायरनमेंट है, प्रकृति अलग है, तो उसके हिसाब से वो अडेप्ट होते हैं. तो यही पढ़ना हमें, वहाँ पे कैसे वो रहते हैं. लेट्स बिगिन. Deserts are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. तो deserts होते हैं driest place. Driest means सूखे, सबसे सूखे जगह होते हैं धरती पे. और sometimes कभी कभी go for months, कभी कभी बिना बारिश के, without rain, months और years भी कभी कभी उनके यहाँ बारिश नहीं होती, मतलब कई महीनों तक और कई सालों भी कभी कभी बारिश नहीं होती, तभी तो सबसे सूखे जगह हैं. बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. लेकिन भले ही वहाँ पर बारिश नहीं होती है, लेकिन फिर भी डेजर्ट एनिमल्स भी पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉर्चिंग सन, और फॉर द लॉन्ग पीरियड, और लंबे समय तक इन द स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग सन मीन्स जो बहुत गर्म धूप है, तीखा धूप जैसे बोलते हैं, तो उन्हें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है और वो भी लंबे समय तक धूप में नहीं रह सकते हैं बिना पानी के. सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज. सो उन्हें भी बहुत अलग अलग तरीके फाइंड करने पड़ते हैं, अपनाने पड़ते हैं तरीके, वेज मीन्स तरीके ऑफ कोपिंग विथ हार्श कंडीशंस. कोपिंग मीन्स टू बर्दाश्त करना, ठीक है, अडेप्ट करना, पढ़े होगे साइंस में अडेप्टेशन. कोप मीन्स बर्दाश्त करना, हार्श कंडीशन, हार्श कंडीशन मीन्स बहुत ही गंदी सिचुएशन, कंडीशन मतलब बहुत ज़्यादा धूप होती है, बारिश नहीं होती है, तो क्या है, हार्श कंडीशन है, तकलीफ वाली सिचुएशन है. तो उसको कोप करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए ज़रूरत पड़ती है. वर्ड्स वगैरह ध्यान रखिएगा, मैं शेयर करूँगा. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, जर्बिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज. जर्बिल्स एक एनिमल्स होते हैं, वो स्पेंड करते हैं, बिताते हैं अपना हॉटेस्ट पार्ट, जब बहुत गर्मी होती है दिन का जो पार्ट, कूल अंडरग्राउंड बरोज. बरोज मीन्स होल्स, जमीन, जो मैंने बताया ज़मीन के अंदर होल करके रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ठंडी होती है, कूल रहती है. एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स, और एक अजीब से, स्ट्रेंज मीन्स अजीब से, इंसेक्ट्स होते हैं जिनको क्या बोलता है, डार्कलिंग बीटल्स, बीटल्स को का एक टाइप है, वो एक्सपर्ट है, आर एक्सपर्ट्स एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स. वो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट मतलब काफ़ी एक्सपीरियंसड है, निपुण है, किस चीज़ में, मॉइस्चर को, मतलब पानी के ड्रॉप को अपने लेग्स पे कैप्चर कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं. कहीं से मान लो पेड़ पौधे पे थोड़ा पानी अटका हुआ है, या कहीं और से जा रहे हैं, दिखा कहीं पानी वगैरह, तो उसको वो अपने पैरों पे कैच कर लेते हैं. देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर, फिर उसको हवा में उछाल देते हैं. लिफ्ट मतलब उछालना. अनटिल द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ्स, तब तक जब तक कि जो ड्रॉप है, ट्रिकल, ट्रिकल डाउन मीन्स नीचे की तरफ गिरना, ट्रिकल मीन्स नीचे की तरफ गिरना, जैसे पहाड़ है उससे पानी नीचे की तरफ गिर रहा है, दैट मीन्स ट्रिकल्स डाउन इनटू देयर माउथ, जो उनके माउथ में गिर जाता है. हम भी करते हैं ना कभी कभी, चीज़ों को उछालते हैं और माउथ में पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे चॉकलेट मान लो हवा में उछाल दिए और फिर अपना मुंह लगा के हम लोग कैच करने की कोशिश करते हैं, तो वही चीज़ करता है. कहीं पे जैसे मॉइस्चर आया तो लेग पे ले लेता है, उसको हवा में उछाल देता है और फिर अपना माउथ लगा देता है. तो उस तरीके से
पानी उसके मुंह में चला जाता है। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। नॉट ऑल मतलब सभी डेजर्ट्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं एंडलेस, एंडलेस मीन्स ख़त्म होने वाले। सीज मतलब समंदर, समंदर नहीं है मतलब, सीज मतलब क्या है, रेगिस्तान है, बालू का समंदर है। ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स क्या होता है आप देखते हो गए रेगिस्तान में सैंड इकट्ठा हो जाते हैं उसी को सैंड ड्यून बोलते हैं, और वो हवा के साथ इधर से उधर घूमते रहते हैं, राइट। वैसे यहाँ पे सैंड इकट्ठा हुआ, फिर हवा आएगा इसको बहा के लेके चला जाएगा, फिर दूसरी जगह सैंड इकट्ठा होने लगती है, एक दूसरे के ऊपर जमा होना शुरू हो जाती है, उसे ही सैंड ड्यून बोला जाता है। तो सभी जो डेजर्ट है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ बालू के ड्यून्स है, सैंड ड्यून्स ही है, हिप्स बोलते हैं उसे, हिप्स इकट्ठा हुआ हुआ सैंड। सम आर रॉकी और पेबली एंड डॉटेड विथ स्मॉल बुशेज व्हाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग। सम आर रॉकी, कुछ रॉकी होते हैं मतलब पहाड़ी होते हैं, पेबली मतलब स्टोन्स भी होते हैं, एंड डॉटेड विथ, डॉटेड मीन्स फील्ड, भरे हुए होते हैं, विथ स्मॉल बुशेज, बुशेज मीन्स झाड़ी, कहीं कहीं देखो रेगिस्तान में छोटे छोटे झाड़ियाँ भी होती है। व्हाइल अदर्स और दूसरे जो होते हैं स्प्रिंकल्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स, और कहीं कहीं दूसरे जगह कलरफुल फ्लावर्स भी होते हैं स्प्रिंग के मौसम में। तो कहने का मतलब है कि सारे डेजर्ट्स में, डेजर्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ चारों बगल रेगिस्तान ही है, बालू ही है, कहीं कहीं माउंटेन भी होता है, रॉक्स होते हैं, स्मॉल स्टोन्स होते हैं, और कहीं कहीं छोटी मोटी झाड़ियाँ भी होती है, कहीं कहीं कलर्ड फ्लावर्स भी होते हैं। देर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नैक्स अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में 2300 से ज़्यादा टाइप के स्नैक्स हैं दुनिया में, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स, शुरू कहाँ से, जस्ट 15 मतलब सिर्फ 15 सेंटीमीटर से लंबे से लेके मोर देन 11 मीटर्स मतलब उनकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से लेके 11 मीटर तक हो सकती है, रेंज मतलब वहाँ से यहाँ तक। मोस्ट स्नैक्स आर क्वाइट हार्मलेस, ज़्यादातर स्नैक्स जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, हार्मलेस मतलब जो नुकसान नहीं पहुँचाता, और हार्मफुल मतलब जो नुकसान पहुँचाता है। बट देयर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल अ ह्यूमन बींग विथ जस्ट वन बाइट, लेकिन कुछ जो होते हैं वो इतने पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं कि वो ह्यूमन्स को मार सकते हैं, किल कर सकते हैं विथ जस्ट वन बाइट, सिर्फ एक बाइट से, एक डंक से अपने मार सकते हैं। मोस्ट स्नैक्स लेज एग्स, ज़्यादातर स्नैक्स जो होते हैं अंडे देते हैं, बट देयर आर मेनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो यंग वंस, वो सीधे बच्चे को ही पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते हैं। इन द ड्राई, सूखे में, रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स अ रैदर इविल लुकिंग स्नैक विथ अ वेरी बैड रेप्यूटेशन। एक सूखे हुए पहाड़ी डेजर्ट में, पहाड़ी रेगिस्तान में अमेरिका के रहता है लिव्स एक बहुत ही एविल लुकिंग, एविल मीन्स डरावना दिखने वाला स्नैक, जिसका रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन मतलब उसका इम्प्रेशन, उसके बारे में लोग जानते हैं बहुत गंदे तरीके से, बैड रेप्यूटेशन है उसका, रेप्यूटेशन में बोलते हैं ना हमारी इज्जत, तो उसका भी उस स्नैक्स है जो एविल लुकिंग है, गंदा दिखता है, लेकिन उसका रेप्यूटेशन बहुत ख़राब है। इट्स फ्राइटनिंग रैटल, ये डरावना रैटल स्नैक है, क्या है, रैटल स्नैक, फ्राइटनिंग मीन्स डरावना, फ्राइटनिंग मीन्स डरावना, कैन बी हर्ड, ठीक है, फ्राइटनिंग रैटल, इसको रैटल स्नैक बोला जाता है। रैटल स्नैक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रैटल मतलब उसकी आवाज़ को एक नाम दिया जाता है, क्या, रैटल, वो जो अजीब टाइप का आवाज़ निकालता है, इसी कारण उसको रैटल स्नैक बोला जाता है। फ्राइटनिंग मतलब उस डरावने रैटल को, मतलब आवाज़ को सुना जा सकता है, कैन बी हर्ड एज फार एज 30 meters अवे, 30 meters दूर तक उसकी आवाज़ को सुना जा सकता है। एंड इट कैन स्ट्राइक विथ अ लाइटनिंग स्पीड, और ये स्ट्राइक कर सकता है मतलब मार सकता है, लाइटनिंग मतलब बिजली के स्पीड से, प्रकाश के स्पीड से भी मारता है ये, ठीक है, मतलब बहुत तेज है ये, और इसके आवाज़ को हम लोग रैटल को 30 meters तक सुन सकते हैं, इसके रैटल, इसके साउंड को बोला जाता है, इसी कारण इसको बोलते हैं रैटल स्नैक। बट द रैटल स्नैक और रैटलर एज इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड, तो रैटल स्नैक या इसको कभी कभी समटाइम्स क्या कहा जाता है, रैटलर, प्रेफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन, ये प्रेफर करता है मतलब कोशिश करता है कि लोगों को अवॉइड करे, अगर वो कर सकता है तो, मतलब वो लोगों के आसपास जाना पसंद नहीं करता है। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट, ये अपने पूंछ को सीधा खड़ा रखता है। एंड रैटल्स द एंड, और अपने एंड को मतलब पीछे को रैटल करता है मतलब हिलाता है। व्हेनेवर इट इज़ डिस्टर्ब, जब भी ये डिस्टर्ब हो जाता है, इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, ये आशा करते हुए कि इंट्रूडर, इंट्रूडर मीन्स जो कहीं से आ जाए, जैसे कि मान लो आप बैठ रहे हो, काम कर रहे हो, और एकाएक कहीं से कोई आ गया, तो दैट इज़ इंट्रूडर, अंदर आने वाला, इंट्रूडर, विल गो अवे, तो ये कोशिश करता है, जैसे ही देखता है कि कोई आ रहा है, ये अपनी पूंछ को सीधा कर देता है और रैटल करता है, हिलाता है, ताकि उसको देख के जो इंट्रूडर, जो कोई आया है, वो गो अवे मतलब भाग जाए,
However, if its warning are ignored, लेकिन ये उसका क्या है, वार्निंग है, हिला रहा होता है अपना पूंछ तो, लेकिन अगर उसको कोई इग्नोर कर देता है, मतलब ध्यान नहीं देता है, एंड इट फील्स थ्रेटन्ड, और उसको लगता है कि अब उसको डर है, उसको ये है, मतलब उसको असुरक्षा महसूस होती है, थ्रेटन्ड फील होता है वो, थ्रेटन्ड मीन्स डर महसूस करना, इट विल क्वाइल रेडी टू बाइट, ये अपने आप को क्वाइल कर लेता है, मोड़ लेता है, किस चीज़ के लिए, काटने के लिए, पहले ये सिग्नल देता है भैया कि भाग जाओ, लेकिन तुम उसकी वार्निंग को इग्नोर करोगे तो वो अपने आप को थ्रेटन्ड महसूस करता है, डरा हुआ महसूस करता है, और फिर वो काटने के लिए रेडी हो जाता है। बट द रैटलर इट सेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज, लेकिन जो रैटलर होता है, मतलब ये रैटल्स ने, वो खुद आवाज़ को सुन नहीं सकता, इट्स ओन टेल मेक्स, मतलब जो उसका पूंछ जो खुद की आवाज़ जो करता है उसको खुद से सुन नहीं सकता। लाइक मोस्ट स्नैक्स, दूसरे स्नैक्स की तरह, इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड, ये धरती का जो वाइब्रेशन होता है, ग्राउंड का वाइब्रेशन मतलब कंपन, हम बोलते हैं ना सांप को कान नहीं होता, वो सुनता नहीं है, वो धरती पर जो कंपन होती है, वाइब्रेशन होता है, उसी से वो सुनता है, उसी से उसको फील होता है कि कोई आ रहा है या जा रहा है। इफ़ ए पर्सन वॉक्स नियर बाई, अगर कोई आदमी उसके नज़दीक जाता है, द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, स्नेक जो है उस मूवमेंट को, उस चाल को महसूस कर सकता है। बट इफ़ द सेम पर्सन वेयर टू शाउट, लेकिन अगर सेम पर्सन वही आदमी शाउट करे, मतलब आवाज़ निकाले, इट वुड नॉट हियर अ थिंग, कोई भी आवाज़ वो सुनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि स्नैक्स के पास कान होता ही नहीं है। रैटल स्नैक्स आर वेरी कॉमन, रैटल स्नैक्स बहुत ही कॉमन है, मतलब सब जगह मिलते हैं। एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स, वाइड स्प्रेड में चारों बगल फैले हुए हैं, लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कंटिनेंट फ्रॉम कैनेडा टू अर्जेंटाइना, पूरे अमेरिकन कंटिनेंट में, मतलब जो बोलते हैं ना सात कॉन्टिनेंट है, तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये कैनेडा से लेकर अर्जेंटाइना तक रैटल स्नैक फैले हुए हैं, कॉमन है, कहीं भी दिख जाएंगे, वाइड स्प्रेड मीन्स फैले हुए हैं पूरा। दे फीड ऑन अ वराइटी ऑफ प्रे, वो खाना खाते हैं वेराइटी ऑफ प्रे, प्रे मीन्स शिकार, इनके बहुत सारे शिकार होते हैं, वेराइटी, माइस, वोल्स, रैट्स, चिपमंक्स, ये सब एनिमल्स जो उनका क्या है, शिकार है, खाना खाते हैं उस पर ही, वो ये सब रैट उसकी तरह ही दिखते हैं, सब रैट्स माउस की तरह ही दिखते हैं, वोल्स भी वैसा ही दिखता है, और दूसरे छोटे एनिमल्स पे, रैटल स्नैक्स किल देयर प्रे विथ वेनम, रैटल स्नैक्स जो होता है अपने प्रे को, शिकार को, जहर से, अपने वेनम से मार देता है। लाइक ऑल स्नैक्स, दूसरे स्नैक्स की तरह, दे सोलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल, और मारने के बाद फिर दूसरे स्नैक्स की तरह वो दूसरे एनिमल जो अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट मीन्स बदकिस्मत एनिमल, जिसको वो मारा है उसको एज ए होल पूरा का पूरा सोलो कर जाते हैं, मतलब घुट जाते हैं, खाना खा उसी को खा लेते हैं वो। फ्यू स्नैक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक, कुछ स्नैक्स को एक सप्ताह में एक बार से ज़्यादा खाने की जरूरत पड़ती है। एंड सम सच एज द लार्जर पाइथन, और कुछ जैसे कि लार्जर पाइथन, पाइथन मीन्स अजगर, कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग, वो एक बार अगर खा लिया तो एक बार में एक साल या उससे ज़्यादा भी बिना खाए रह सकता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सोलो कर लेते हैं, सोलो मतलब घूट लेते हैं, अनफॉर्चुनेट मतलब बदकिस्मत, कौन सा बदकिस्मत एनिमल्स है जिनको वो मारा है, उन्हीं को एज ए होल मतलब पूरा का पूरा, कुछ को वीक में कई बार खाने की जरूरत पड़ती है, कुछ को एक बार भी खा लिया जैसे पाइथन तो साल भर खाने की जरूरत नहीं है। मंगूजेस लाइक टू हंट टुगेदर, मंगूज मतलब नेवले, सुने ना नेवले और सांप की नवाल लड़ाई, तो वही नेवले जो होते हैं वो ग्रुप में हंट करते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे नेवले रहते हैं। बट दे ऑलवेज कीप अ लुकआउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाई, लेकिन वो हमेशा कीप अ लुकआउट, मतलब लुकआउट मीन्स ध्यान रखना, फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स, भयानक प्रीडेटर्स जो उनका शिकार कर सकता है, प्रीडेटर मीन्स शिकार करने वाला, उस पर ध्यान रखते हैं वो ताकि उनको आके मार न दे। पोकिंग देयर नोजेज इन टू होल्स, पोक कर मतलब ऐसे किसी को करते हैं ना, ऐसे ऐसे करना, पोक करना किसी को, अपने नोज को वो होल्स में धक्का देते हैं ऐसे ऐसे। ओवर टर्निंग रॉक्स विद देयर पॉज, ओवर टर्निंग मीन्स पलट देना, किसको, रॉक्स को, रॉक्स मीन्स वही चट्टान वगैरह टुकड़े को, अपने पॉज से, अपने उनका जो पैर होता है उससे चट्टान को उलट देते, मतलब ऑफकोर्स छोटे छोटे चट्टान को उलटेंगे वो। एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉज, और जो ग्राउंड है उसको अपने क्लॉज से, क्लॉज मीन्स ये वाला चीज़, पंजे से स्क्रैच करते हैं, खरोचते हैं। बैंडेड मंगूजेज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच, बैंडेड मीन्स, बैंडेड क्या होते हैं, जिनके ऊपर धाड़ियाँ होती हैं, ऐसे उनके शरीर पर धाड़ियाँ बनी होंगी, जनरली काले रंग की धाड़ी बनी होती है, तो उसे बैंड, बैंड मतलब धाड़ियाँ, मंगूज होते हैं बहुत ही अम्यूजिंग, अम्यूजिंग मीन्स एंटरटेनिंग होते हैं, मनोरंजन करने वाले एनिमल्स होते हैं नेवले। अ कॉमन साइट इन मेनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, ये बहुत ही कॉमन है, कॉमन तरीके से साइट मतलब दिखने वाले हैं अफ्रीका में। द ट्रेवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 22 फोरेज फॉर बीटल्स, मिलीपेड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स, वो ग्रुप में रहते हैं, कितने, अबाउट 20 के ग्रुप में रहते हैं, फोरेज मीन्स
घूमना फिरना, यात्रा करना, सर्च करना खाने के लिए किस चीज़। तो इनका खाना क्या होता है, बीटल्स, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, स्मॉल क्रिएचर, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनकी सर्च में निकलते हैं ग्रुप में निकल के, टू फोरेज, फोरेज में सर्च के लिए निकलना, और ये सब खोजते हैं अपने खाने के लिए, मिलीपीड्स, बीटल्स वगैरह को। दे लाइक टू हंट टुगेदर, वो एक साथ शिकार करना पसंद करते हैं। कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट, और एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। कीप इन टच मीन्स संपर्क में रहना। वेन एवर दे गो आउट, जब भी वो बाहर जाते हैं, ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बुशेज, अगर वो कभी कभी रॉक्स के और बुशेज के, झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं, तो भी एक दूसरे के संपर्क में रहने की कोशिश करते हैं। कैसे, बाई ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, मतलब अलग अलग तरीके का आवाज़ निकाल के। ट्विटर इज़ अ टाइप ऑफ साउंड, कॉलिंग मीन्स आवाज़ दे के। तो मतलब ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, और कभी रॉक्स के या बुशेज में अकेले अकेले छुप भी गए तो भी आवाज़ निकाल के एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर डेंजर, हमेशा लुकआउट पे, मतलब ध्यान रखते हैं, अपने आँख को हमेशा खुले रखते हैं खतरों के लिए, पता लगाने के लिए। ये कौन से, हॉक्स, ईगल्स, लार्ज स्नैक्स, बाज, चील, ये सब होते हैं ना, वो जो नेवले को खाते हैं, तो उन पे वो ध्यान रखते हैं हमेशा कि कहीं से आ ना जाए। स्नैक्स भी, से स्नैक्स की तो हमेशा लड़ाई ही होती है नेवले और स्नैक्स की। दे वॉर्न वन अनदर विथ अ स्पेशल अलार्म कॉल इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, और एक दूसरे को वो वार्न करते हैं, एंड एक वन अनदर को, एक दूसरे को चेतावनी देते हैं। क्या, अगर कोई स्पेशल अलार्म को, मतलब उनका कोई स्पेशल सिग्नल है, अलार्म है, अगर वो स्पॉट करते हैं, पता लगता है उन्हें एनीथिंग सस्पिशियस, मतलब कुछ भी उन्हें नुकसान देने लायक अगर लगता है कि आसपास कुछ है, सस्पिशियस है, सस्पिशन है कि हम नुकसान कर सकता है, तो एक दूसरे को अलार्म देते हैं, मतलब वार्निंग देते हैं, कॉल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। मंगूजेज आर फेमस फॉर बींग एबल टू किल स्नैक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्स। मंगूजेज जो नेवले होते हैं बहुत मशहूर हैं, फेमस हैं किस चीज़ के लिए, फॉर बींग एबल टू, मारने के लिए किसको, स्नैक्स को, विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्स, मतलब खुद को बिना नुकसान किए हुए वो स्नैक्स को मार देते हैं। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट, उनके जो रिएक्शन, उनकी जो एक्ट करने का तरीका होता है, रिएक्शन प्रतिक्रिया होती है, बहुत तेज़ होती है, दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नैक स्ट्राइक्स, उनका तेज, इतना तेज भागते हैं वो कि वो डॉज कर देते हैं। डॉज करना मतलब क्या, क्विकली भाग जाना, तुरंत भाग जाना जैसे ही स्नैक उनको स्ट्राइक करता है। स्नैक जैसे ही नेवले को मारता है वो डॉज कर जाते हैं। डॉज करते मतलब अपने, जैसे आप हो खड़े हो, आपको कोई मार रहा है तो अपने आपको भगा लेते हो, ऐसे ऐसे कर भगाते हो अपने आपको, शरीर को, उसी तरीके से जैसे स्नैक स्ट्राइक करता है, मतलब स्नैक ऐसे मारने गया वैसे ही अपने आपको तुरंत भगा देता है वो, डॉज करना उसको बोलते हैं। दे कंटिन्यूअली मेक अ न्यूसेंस ऑफ देमसेल्व, वो कंटिन्यूसली लगातार अपने आप को एक न्यूसेंस बनाते हैं। न्यूसेंस मतलब क्या, परेशानी, किसके लिए, स्नैक्स के लिए, वो स्नैक्स के लिए परेशानी हो जाते हैं। कैसे, वो बार बार इधर उधर भागेंगे, इधर उधर, तो वो परेशानी का कारण बन गए, किसके लिए, स्नैक्स के लिए। ऑफ देमसेल्व मतलब खुद को एक परेशानी का कारण बना देना। मेक अ न्यूसेंस ऑफ देमसेल्व मतलब खुद को एक परेशानी का कारण बना देना। अनटिल आफ्टर अ वाइल, जब तक कि थोड़े देर बाद, व्हेन द स्नैक्स गेट टायर्ड, जब उसकी स्नैक थक जाता है, दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, वो एकाएक आकर डाइव मारते हैं, उछलते हैं, किल करके स्नैक्स को मार देते हैं। तो अपने आप को वो परेशानी के लिए कारण बना देते हैं, किसको, स्नैक्स के लिए, बार बार इधर उधर भागेंगे तो स्नैक्स क्या हो गया, परेशान हो गया। कौन परेशानी हुआ, खुद नेवले ही, तो ये अपने आप को परेशानी का कारण बना देते हैं, जानबूझ के इधर उधर भागते हैं ताकि स्नैक क्या हो जाए, थक जाए, टायर्ड हो जाए, और जैसे ही वो थक जाता है क्विकली से, तेज़ी से आके पीछे से उसको मार देते हैं स्नैक्स को, नेवले। तो ऐसे ही है, स्नैक्स को मारते हैं। ऑल द फीमेल मंगूजेज हैव देयर किटन एट अबाउट सेम टाइम, फीमेल मंगूज, जो फीमेल जो मंगूज होती हैं वो अपने किटन को, अपने बच्चों को एक साथ ही जन्म देती हैं। दे आर रेज्ड बाई द होल ग्रुप इन अ डेन मेड इन साइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और हॉलो लॉग। दे आर रेज्ड, रेज्ड मीन्स उनका विकास किया जाता है, ग्रो किया जाता है, उनका पालन किया जाता है बच्चों का, बाई द होल ग्रुप, पूरे ग्रुप से, जितने के ग्रुप में वो रहते हैं, पूरा ग्रुप मिलकर बच्चों की देखभाल करता है। इन अ डेन मीन्स मांद जो बनाते हैं, इन साइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट, टर्म दीमक वगैरह का जो रहने वाला घर होता है उसमें, या फिर हॉलो लॉग में, मतलब जो लकड़ी का टुकड़ा जो खोखला होता है उसमें ये रहते हैं। देखते ही हो अपने आसपास भी देखोगे, खोखले लकड़ी के उगरे में ये छुपे हुए होते हैं, उसी में रहते हैं ये लोग। व्हेन मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड, और ज़्यादातर एडल्ट मतलब बड़े जो होते हैं, कौन से बड़े, नेवले, बाहर होते हैं लुकिंग फॉर फूड, लुकिंग मतलब खोजना, लुकिंग फॉर मीन्स स्टर्स, खोजना, खोजने के लिए। वन और टू मेल्स स्टे बिहाइंड टू स्टैंड गार्ड अनटिल द अदर्स रिटर्न फॉर द नाइट, एक और दो मेल जो होते हैं स्टे बिहाइंड, मतलब वहीं पर रुक जाते हैं जहाँ पर ये
छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, टू स्टैंड गार्ड मतलब देखभाल करने के लिए जब तक कि दूसरे रिटर्न ना आ जाए रात तक, ठीक है। तो इस तरीके से ये छोटे बच्चों की क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। और जब कुछ लोग जाते हैं खाना खोजने तो कुछ लोग रुके रहते हैं बच्चों की देखभाल करने के लिए। अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज़ द कैमल। दूसरा एनिमल जो डेजर्ट में रहता है वो क्या है, कैमल है, ऊँट। कैमल्स वेयर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाई पीपल मेनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स है। वो कैमल्स जो थे उनको सबसे पहले डोमेस्टिकेट मीन्स पालतू बनाया गया था लोगों के द्वारा, कब, थाउजेंड ईयर्स होगा, सालों मतलब हज़ारों साल पहले उसको पालतू बनाया गया था। इन द वाइल्ड मतलब जंगलों में कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। कैमल्स जो होते हैं जनरली यूजुअली सामान्यतः यूजुअली मीन सामान्यतः रहते हैं छोटे ग्रुप में, कितने, 30 ऊँटों के ग्रुप में रहते हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग मतलब कैमल्स के पास लॉन्ग मतलब लंबे, शैगी मीन्स घने भरे हुए, विंटर कोट्स घने विंटर कोट्स टू कीप वार्म, विंटर कोट होता है उनका, उनको पहनाया जाता है, ठीक है, ठंड के लिए उनको गर्म रखने के लिए, टू कीप वार्म। एंड शॉर्टर टीडियर कोट्स, और छोटे, टीडियर मीन्स हल्के, ठीक है, कोट्स पहनाया जाता है समर में, टू कीप कूल मतलब समर में छोटे कपड़े पहनाए जाते हैं उनको ठंडा रखने के लिए। अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर। और एक थर्स्टी मीन्स प्यासा कैमल मीन्स ऊँट ड्रिंक कर सकता है, पी सकता है लगभग 30 गैलन वाट पानी का। सोचो 30 गैलन पानी पी सकता है एक कैमल जब वो प्यासा होता है। दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस। 30 गैलन पानी कितने के बराबर होता है, अबाउट 500 फुल ग्लासेस मतलब एक प्यासा कैमल लगभग 500 ग्लास पानी पी सकता है मतलब 30 गैलन के बराबर, इन जस्ट 10 मिनट्स सिर्फ 10 मिनट में। नॉर्मली सामान्यतः हाउएवर फिर भी, इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 मंथ्स विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। और इतना पीने के बाद सामान्यतः ये अपना जो मॉइस्चर होता है किससे मिलता है इनको, नीड्स जो भी इससे मॉइस्चर मतलब पानी जो ज़रूरत होती है उनको किससे मिलता है, डेजर्ट प्लांट से, क्योंकि प्लांट क्या होता है, प्लांट के अंदर पानी होता है। एंड कैन सर्वाइव और जिंदा रह सकता है फॉर अप टू 10 मंथ्स 10 महीने तक विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी मतलब बिना पानी पिए हुए 10 महीने तक ये जिंदा रह सकता है, ठीक है। ज़्यादातर पानी इसको डेजर्ट प्लांट्स को खाने से मिलता है क्योंकि प्लांट्स के बॉडी के अंदर क्या होता है, पानी होता है। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल्स। कैमल्स जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। वन ड्रोमेडरी, एक को बोला जाता है ड्रोमेडरी, हैज़ सिंगल हम्प, उनके पास सिंगल हम्प होता है। हम्प मतलब क्या होता है, देखते हो यहाँ पे निकला होता है ऊँट का कूबर जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसे हम्प बोलते हैं, तो एक होता है उसके अंदर। अदर इज़ कॉल्ड अ बैक्ट्रियन कैमल, दूसरे को बोलते हैं बैक्ट्रियन, पहले को ड्रोमेडरी जिसमें एक हम्प होता है, दूसरा बैक्ट्रियन कैमल जिसमें दो हम्प होते हैं मतलब दो कूबर होंगे ऐसे ऐसे आसपास में ही। हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन डेजर्ट। हम्प्स जो होते हैं एनिमल को हेल्प करते हैं, किस एनिमल को, मतलब कैमल को हेल्प करते हैं डेजर्ट में जिंदा रहने में, बाई एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स। वो काम करते हैं किस तरीके, स्टोरेज मतलब सामान रखने वाले कंटेनर की तरह, जैसे हम लोग घर में सामान रखते हैं उसी तरीके से ये इसमें रखता है कुछ, देखते हैं क्या, फैट रखता है। बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन उसमें पानी नहीं होता है। लोग बोलते हैं ना कि वो इसमें पानी स्टोर करता है और उसी से वो पीता रहता है, नहीं, ये लोग पानी स्टोर नहीं करते हैं। दे आर फुल ऑफ फैट, उसमें फैट होता है, आप पढ़े होंगे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, तो ये फैट होता है इसमें। दिस फैट नरिशेज द कैमल्स व्हेन फूड इज स्कार्स, और यही फैट जो होता है कैमल्स को नरिश करता है मतलब उसके खाने पीने की ज़रूरत को, न्यूट्रिशन को पूरा करता है व्हेन फूड इज स्कार्स। स्कार्स मतलब कमी, जब फूड की कमी होती है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, अगर उनके पास कई दिनों तक खाने के लिए कुछ भी नहीं है, देयर हम्प श्रिंक एज द फैट इज़ यूज्ड, उनका जो हम्प होता है कूबर जो होता है वो श्रिंक मतलब सिकुड़ना शुरू करता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो फैट स्टोर हुआ, लिखा हुआ ना, फैट को स्टोर करते हैं, वो यूज़ होना शुरू हो जाता है। देर आर मेनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ, बहुत ही अलग अलग तरीके हैं जिससे कि कैमल्स अडेप्ट है मतलब वहाँ पर रहने के लिए, डेजर्ट में रहने के लिए अडेप्टेड हो चुके हैं वो। देयर माउथ्स आर सो टफ, उनका माउथ जो होता है बहुत ही टफ होता है, कड़ा होता है, दैट इवन द शार्प थॉर्न कैनॉट पियर्स थ्रू, वो इतना होता है कि एक शार्प मतलब नुकीला, थॉर्न मतलब कांटे, भी उसको पियर्स मतलब होल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी स्टोरी, वो स्टोरी नहीं थी, इससे कंडीशन ऐसा सिचुएशन
जो आपको बता रहा है कि एनवायरनमेंट में डेजर्ट एनिमल्स कैसे रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस है, मैंने सॉल्व कर दिया है, आपको शेयर करूंगा मैं। ये पहला ट्रू फॉल्स है, नो एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, ट्रू होगा, कोई भी बिना पानी के नहीं रह सकता है। डेजर्ट्स आर एंडलेस सैंड ड्यून्स, क्या डेजर्ट में सिर्फ बालू ही होता है? नो, फॉल्स है। हमने पढ़ा क्या होता है, प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, बुशेज होते हैं, पढ़ा था ना हमने यहाँ पर। सैंड ड्यून्स नहीं होते हैं, रॉक्स भी होते हैं, बुशेज होते हैं, कलरफुल फ्लावर्स भी होते हैं, राइट। मोस्ट स्नैक्स आर हार्मलेस, ट्रू है, ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं। स्नैक्स कैन नॉट हियर, सुन नहीं सकते हैं, बट दे कैन फील वाइब्रेशंस थ्रू द ग्राउंड, सही है, ग्राउंड के कंपन को, वाइब्रेशन को फील करते हैं। कैमल स्टोर वाटर इन देयर, नो, फॉल्स, वो फैट स्टोर करते हैं। हाउ डू डेजर्ट एनिमल सर्वाइव विदाउट आर्बर, बहुत अलग तरीके हैं, जैसे कि जर्बिल्स होते हैं, दे हाउ डू सर्वाइव, मतलब कि पानी के बिना कैसे, जर्बिल्स जो होते हैं गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, था ना, अंडरग्राउंड बरोज में चले जाते हैं, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने पढ़ा था, दे जर्बिल्स जो होते हैं लिव इन बरोज, ठीक है, बीटल्स जो होते हैं दे कैप्चर मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल में। हाउ डू मंगोजेस किल स्नैक्स, मंगोज कैसे स्नैक्स को मारते हैं, दे गेट द स्नैक्स टायर्ड बाई डॉजिंग ईच टाइम, मतलब एक दूसरे स्नैक को वो थका देते हैं, ठीक है, दे कीप ऑन मूविंग हेयर एंड देयर टिल द स्नैक्स गेट्स टायर्ड एंड वेन द स्नैक इज टायर्ड दे कम फ्रॉम बिहाइंड एंड किल देम। हाउ डज द हम्प ऑफ द कैमल हेल्प देम टू सर्वाइव वेन देर इज नो वाटर, कैमल का हम्प कैसे हेल्प करता है जिंदा रहने में जब पानी नहीं होता है, तो क्या होता है, हम्प ऑफ द कैमल्स स्टोर फैट वेन देर इज नो वाटर, दैट फैट इज यूज अप एंड दैट हेल्प्स इन सर्वाइविंग। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको फिल करना है। हार्श कंडीशंस मतलब बहुत ही मुश्किल सिचुएशन, हार्मलेस मतलब जो नुकसान नहीं करता, सर्वाइव मतलब जिंदा रहना, इंट्रूडर जो कहीं बाहर से आता है, थ्रेटन मीन्स डर महसूस करना, प्रीडेटर मीन्स शिकार करने वाला, प्रे मीन्स शिकार, कंटिन्यूअसली मीन्स लगातार। ऑल एनिमल्स इन द फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स स्ट्रगल टू क्या, सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस, सर्वाइव हार्श कंडीशंस, द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर हार्मलेस, सम आर डेंजरस, कुछ भयानक होते हैं, व्हेन, कब, जब उन्हें महसूस होता है डर, थ्रेटेंड, इफ़ एन डैश इज नोटिस्ड, इफ़ एन इंट्रूडर इज नोटिस्ड, मतलब बाहर से आने वाला पता लगता है, दे अटैक और बाइट टू सेव देमसेल्व्स, दे स्ट्रगल कंटिन्यूअली लगातार फॉर फूड एंड वाटर। सम एनिमल्स आर कॉल्ड डैश, सम एनिमल्स को क्या बोलते हैं, प्रीडेटर्स, शिकार करने वाले, बिकॉज दे प्रे, शिकार करते हैं ऑन अदर एनिमल्स। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ठीक है, ये सब आप लोगों को खुद से करना है, ग्रामर वाला। विच इज़ द टॉलेस्ट, विच एनिमल इज़ द टॉलेस्ट, विच एनिमल रन्स द फास्टेस्ट, विच प्लेस ऑन द अर्थ इज हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट, विच एनिमल इज़ द लार्जेस्ट, विच इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, विच इज़ द रेनिएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, विच इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग एनिमल। तो इस तरीके से आपको करना है, ये सब आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर 9 है जो आपका कंप्लीट हो गया, आई शेयर इट इन योर ग्रुप। क्वेश्चन आंसर मैंने कर दिया है, वो भी इसके साथ में शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ओके, और ये भी है, जैसे देखो क्या, मोस्ट स्नैक्स आर क्वाइट हार्मलेस बट अ फ्यू आर पॉइजनस, कुछ जो होते हैं हार्मलेस, मोस्टली हार्मलेस होते हैं लेकिन कुछ जहरीले होते हैं। उसी तरीके से मोस्ट स्नैक्स लेज एग, ज़्यादातर स्नैक अंडे देते हैं वो, लेकिन कुछ जो होते हैं यंग वन को जन्म देते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है जहाँ पे 90% है, 10% है, तो 90% क्या हो गया, मोस्ट, 10% मतलब फ्यू, इसको इस तरीके से चेंज करना है, जैसे 90% ऑफ पीपल आर ऑनेस्ट, 10% आर डिसऑनेस्ट, तो आप क्या लिख सकते हो, मोस्ट पीपल आर ऑनेस्ट बट फ्यू, ठीक है, ऑफ यू लिखना, ऑफ यू आर डिसऑनेस्ट,
इसी तरीके से ये सारे स्टेटमेंट आप चेंज करोगे। लॉट्स का भी मतलब क्या होता है, मोस्ट, ज़्यादा। एवरी मतलब ज़्यादातर, मेजोरिटी मीन्स मोस्ट, फिर से मेजोरिटी मोस्ट, ज़्यादातर। कम वाले को फ्यू बोलते हैं। तो इस तरीके से ये देख के आपको चेंज करना है, जैसे मैंने लिखा है। सो लेट मी क्लोज दिस, दिस कम्प्लीट्स योर चैप्टर 9। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक द चैप्टर 10। आपको पोएम वगैरह अलग से सारे एक साथ पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट इज द बनियान ट्री, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू।